हेलो गाइस, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दिस इज योर मेंटर एजुकेटर मिसेस जोशिका शर्मा चौधरी। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द टॉपिक नेशनलाइज्ड बैंक। एंड दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर एमबीपीएससी मेंस 2020। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी ने भी अभी तक रक्षा अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं करा है, तो जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ पर जाके सर्च करिए रक्षा अकेडमी। अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं, लॉग इन करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोर्सेज के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि अगर आप प्री की सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, फॉर मतलब कि अभी प्री का एग्जाम आने वाला है तो लोग टेस्ट सीरीज के लिए चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज उनको मिले, तो हमारी एप्लीकेशन पर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 160 प्लस टेस्ट आपको मिल जाएंगे इजीली। अगर आप सिर्फ प्री की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अगर आप प्री का कोर्स अगर अवेल करते हैं, तो उसमें आपको प्री के लेक्चर्स सब कुछ मिलेगा एंड प्लस उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी। वहाँ पे ऑलरेडी 250 प्लस वीडियोस हैं। एंड अगर आप पूरा एमपीपीएससी का कोर्स लेते हैं, अगर आप प्री प्लस मेंस का कोर्स लेते हैं, तो उसकी जो अमाउंट है दैट वाज 7500। अगर आप वहाँ पे डिस्काउंट चाहते हैं, तो उसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं चैटबॉक्स में जाके, दैट इज आर ए जोशिका, तो आपको डायरेक्टली 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके 500 रुपीज वहाँ से कम हो जाएंगे डायरेक्टली। एंड और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पर पूरा कोर्स लेते हैं, तो वहाँ पे मेंस क्लासेस भी चल रही हैं, आपका फ्री की भी मैंने बताया वीडियोस हैं और टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। आप जाके एक बार उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और प्रोमो कोड आपको कौन सा यूज़ करना है? आर्य जोशी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द टॉपिक नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड दिस कोर्स इज डिजाइन बाय मी। तो हम चलो स्टार्ट कर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हेडिंग डाली है दैट वाज 50 इयर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। मैंने इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट इसीलिए किया है कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ का करंट में जो हुआ उसको अगर इंक्लूड कर लें, तो चीज़ें क्या है कि ना, क्यों हमको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये नेशनलाइजेशन जो है उसको 50 इयर्स हुए हैं 19th of July 2019 को, तो दैट मीन्स कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा है। तो अगर हम देखें इसके 50 इयर्स अवेल करें किस चीज़ के, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि इसका मतलब क्या है, जो बैंक नेशनलाइजेशन हो रहा है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है, सबको मालूम है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट हम जिसको SBI के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, वो ओनली एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी जिसका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 को, बिफोर द 1969 के पहले हो गया। जब SBI का नेशनलाइजेशन हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ कि एक बैकड्रॉप हुआ प्राइवेट बैंक्स के अंडर कि उनके पास एक बैंक वाली कंडीशन आ गई। एंड 1969 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन कर रही थी थ्रू द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969 के थ्रू, तो उसके सबसे पहली कांग्रेस हो गई थी, SBI हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने कब शुरू किया? 1969 में शुरू किया। तो उस टाइम पर 14 बिग प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज्ड किया, जो कि किसने कंट्रोल पूरा किया उस चीज़ को? गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। कौन सी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। एंड दिस लेंडर्स हेल्ड ओवर 80% बैंक डिपॉजिट इन द कंट्री। अब यहाँ पर जो 14 जो बैंक्स हैं जिनका नेशनलाइजेशन हुआ उस टाइम पर, उनके आपको नाम जब अगर आप लिखोगे मेंस में, अगर लिखते हो उस टॉपिक के बारे में, नेशनलाइजेशन के बारे में, आप वहाँ पर पॉइंट लिखोगे 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुई, सो दैट यू हैव टू नो द नेम ऑफ द ऑल 14 बैंक। तो यहाँ पर हम उनको याद पे कर लेते हैं। तो द बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड कौन कौन सी हैं? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा दैट इज BOB, देन बैंक ऑफ इंडिया दैट इज BOI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज BOM, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज CBI नॉट अ CBDI, दैट वॉज अ बैंकिंग टर्म, एंड केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 14 बैंक्स थी हमारी, इनको हमने नेशनलाइज किया। फिर से आप देख लो एक बार, इलाहाबाद, ठीक है, फिर कौन सी आई? बैंक ऑफ बड़ौदा आई। कौन सी आई? इलाहाबाद। फिर कौन से चले गए हम? बड़ौदा। फिर हम पूरा इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर आप आ जाओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
देन हमारी आ गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन केनरा बैंक, देना बैंक, क्लियर यहाँ तक इंडियन बैंक, ये सेवन हमने कर ली देना बैंक तक। नाउ नेक्स्ट सेवन इज इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये सब कम हुआ, ये हुआ 1969 में नेशनलाइज हो गई दिस वन। नाउ 1980 में अनदर सिक्स बैंक्स हुई जो कि जिसका कंट्रोल अब किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया। इन बैंक्स के नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसमें इंक्लूड हो गई। बट ये ईयर था कि कौन सा ईयर है, 1980, तो 14 प्लस 6 हो गए। बट 14 वाला हमारा रहा 1969 का टाइम और 6 हमारा रहा 1980 के टाइम। अब क्या फिर एक पॉइंट होता है जिसको हम देख लेते हैं एक बार, चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दैट वाज व्हाट फैक्टर्स लेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये चीज को अडॉप्ट की या कि वो प्लान करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री का, तो उस टाइम पर एक नेशनलाइजेशन एक इस तरीके से वो लोग लेकर आए नेशनल पॉलिसी की अडॉप्ट की, द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब नेशनलाइजेशन जब हो रहा था उस टाइम पर क्या हुआ, एट द एंड जो ट्रबल एक देखिए उस टाइम पर एक ट्रबल क्रिएट हुआ, बहुत सारी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शॉक्स लगे हमारी इंडिया को। दैट हम डिस्क्रिक्ट लेते हैं, दो वॉर चल उस टाइम पर हुई 1962 की 1965 की। 62 में हुई चाइना के साथ, 65 में हुई पाकिस्तान के साथ, द टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आर, ठीक है। तो दैट पुट जो एक प्रेशर बना पब्लिक फाइनेंसेस का, उससे हमारा एक इकोनॉमिक बैलेंस हिला, ठीक है। उसके बाद हमारा है टू सक्सेसिव ईयर्स ऑफ ड्राफ्ट, दो साल कंटिन्यूसली हुए ड्राफ्ट के, जिसके कारण फूड की कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई लोगों को, मतलब जैसे कहते हैं ना सूखा पड़ गया, तो सभी से भूख की भूख मरी हो गई तरीके से। तो यहाँ पर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा नेशनलाइज सिक्योरिटी को, बिकॉज जो मेनली डिपेंडेंस हो गई अब किससे, अमेरिकन फूड शिपमेंट के थ्रू। जिस टाइम पर प्रोग्राम चला उसमें PL450 प्रोग्राम हुआ। उसके बाद हुआ 3 ईयर प्लान, हॉलीडे एग्रीगेट डिमांड हुई, एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। अब डिकेड आया 1960 एंड 1917 का, जिस टाइम पर एक लॉस डिकेड था, जहां पर हमारी जो पॉपुलेशन एक ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग एंड एवरेज इनकम जो थी वो स्टैगनेट होती जा रही थी। अब जो इंडिया में क्या एक कंडीशन हुई कि यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स थी, ठीक है, वो उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्री का जो शेयर था इन क्रेडिट जो एक डिसबर्स होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया इन द पीरियड ऑफ 1951 एंड 1968। इस टाइम पर क्या हुआ, फ्रॉम 34% टू 68%, जहां पर एक आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है उसको 2% से भी कम क्रेडिट मिला इस दौरान में, इस ईयर के दौरान, ठीक है। अब आते हैं अदर जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करे, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल रहे, दैट इज द सोशल वेलफेयर, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग टू रूरल एरियाज, कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज, जो एक मोनोपोलीज होती है कंपनीज के अंदर उनके रिगार्डिंग, देन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब क्या हुआ, जो नेशनलाइजेशन का एक एम बना कि एक मोबिलाइज होना चाहिए सेविंग्स ऑफ द पीपल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, कि एक अच्छे एक्सटेंट तक उसको वो पॉसिबल कर पाए, उसको बढ़ा पाए। देन एक इशू था प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ये भी एक फैक्टर रहा उस टाइम पर, ठीक है। इसमें इससे क्या कंट्रीब्यूट किया, जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है या फिर इसके अलाइड कोई भी एक्टिविटीज़ है जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, उनको लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बोला कि इस टाइम पर नेशनल इनकम का मेनली कंट्रीब्यूट कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, ये यहाँ पर बोला। देन आते हैं क्या हमको फायदा हुआ, क्या हमको बेनिफिट्स हुए नेशनलाइजेशन के। जब नेशनलाइजेशन का टाइम चल रहा था, जब नेशनलाइजेशन के टाइम चल रहा था उसके टाइम का जब बाद आया, तो हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या हुई, वो बड़ी। कितनी बड़ी, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 800% वो डिपॉजिट के टाइम पर, और एकदम से उन्होंने एक ह्यूज जंप लिया, दैट वॉज 11,000%। तो ये एक फायदा हुआ नेशनलाइजेशन का, पहले ये जो चीज थी 800%, वो एकदम से जंप कहाँ पे चली गई, 11,000 पर चली गई। बैंकिंग जो अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप था, जो पब्लिक एक इम्प्लिसिट फेथ होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैंक के रिगार्डिंग, वो एक डेवलप हुआ। बैंक्स वर नो लॉन्गर कंफाइंड टू ओनली मेट्रोपोलिटन और कॉस्मोपॉलिटन जो है एक सिटीज के रिगार्डिंग, अब जो गया वो
कुन्ने कुन्ने में, कहते हैं ना, कंट्री के कोने कोने में वो पहुंच गई बैंक। तो ये एक फायदा हुआ जिसने एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीजन बना हमारी इंडिया की एक ग्रोथ प्रोसेस का, पर्टिकुलरली इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो पर्पस था एक रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, या फिर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर हुआ। उसने क्या इंक्रीज करा, यहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज किया। जो एक पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है बैंक में, वो भी इंक्रीज हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बट क्राइसिस हुई ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1991, जहां पर एक एंड ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का टाइम चला। इस टाइम पर क्या चला, कंडीशन हुई हमारी कि जो 1991 में एक पॉलिटिकल कंट्रोल था बैंक का, जो कंटिन्यू हुआ आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स के दौरान, और जिसके कारण जो आज के समय में एक जो एक बैड लोन जिसको हम बोलते हैं, या फिर NPA जिसको हम बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट की जो क्राइसिस हुई, वो एक हमने कंडीशन देखी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, व्हाट डू वी मीन बाय NPA। तो अगर NPA के बारे में थोड़ा सा देखना है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि जब बैंक जो है जो लोन देती है उसको वो क्या कंसिडर करती है, एसेट कंसिडर करती है। अगर इफ द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट और बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द लोन इज नॉट बींग सर्विस्ड टू द, मतलब कि अगर वो नहीं गए लेंडर के पास, तो वो क्या कहलाता है हमारा NPA। मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो अमाउंट है, या फिर दोनों ही चीजें जो है वो उतनी सर्विस्ड नहीं पहुंची बैंक के पास जिनसे उन्होंने लोन लिया है, तो उसको वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, NPA। मतलब उनके जो सेट है उसने परफॉर्म अच्छा नहीं करा। तो एनी असेट जो स्टॉप कर दे उसको रिटर्न करना उसके इन्वेस्टर को फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये कोई भी असेट जिसना जितना उसको रिटर्न करना है अपने इन्वेस्टर को, वो नहीं दे रहा है कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, NPA। जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में दैट वाज अ 90 डेज का रहता है अप्रोक्सीमेटली। नाउ हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो उन्होंने करा, क्या वो एक मतलब एक राइट मूव रहा। अगर आप 2012 का देखो तो NPA क्राइसिस रहा इट एक्चुअली अ पार्टली जो कि एक्सप्लेन करेगा एक पॉलिटिकल पैटर्न है इसको, एंड जिसके कारण क्या हुआ एक गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ओवर बैंक्स के बारे में वो बिकम इमर्ज हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की अगर आप बात करते हैं, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है, अगर आप नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात करोगे, तो एक इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वहां पर जनरेट होगा जो कि एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा। कोई डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है इंटरेस्ट की एट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के लोन्स पर अलग अलग इंटरेस्ट सेट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, अगर हम लोग भी कोई एग्जाम के फॉर्म भर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनके एक अलग अलग रेट है, ये नहीं कि सेम है। उस तरीके से अगर कोई किसी को लोन दे रहा है तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सब कुछ अलग अलग रहेगी। द इंडियन सेंट्रल जो बैंक है उसने इवेंचुअली इस चीज को एंड करा बाय मैनेजिंग हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एंड दिस डिफीटेड द पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन, बिकॉज ये जो था एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो था एक लोन्स के रिगार्डिंग, वो कभी भी एक जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता। ये एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था वो यहाँ पर डिफीट हुआ। अब बैंकिंग जो एक कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस है जहाँ पर प्रॉफिट्स भी देखे जाते हैं, यहाँ पर नेशनलाइजेशन बैंक्स भी हैं, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में कॉम्पिटिशन भी जनरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या करती है, एक ब्यूरोक्रेसी को एटीट्यूड को फॉर्म करती है टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर डिलेज हैं, दैट वॉज द कॉमन फीचर ऑफ किसके, नेशनलाइज बैंक्स के। अब क्या होता है यहाँ पर, अब इसके रिगार्डिंग अगर आप देखते हो, जैसे कि अगर हमने देखा कि किसी को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए टू द वीकर सेक्शन, तो उनके लिए जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज हैं जो कि क्या करती हैं, उनके उनके रिगार्डिंग भी सोचकर बनाई गई हैं। ये पॉलिसीज जो है मे प्रूव हार्मफुल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बट ये है ऑल्दो है ये। अब ये जो अगर आप देखोगे कि अगर एक्सटेंडिंग लोन्स ऑफ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, रिस्की रहते हैं और रीनिमिटेड रहते हैं। सच लोन्स आर अगेंस्ट द साउंड बैंकिंग रूल्स के होते हैं, और ये काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को इकोनॉमिक वायबिलिटी के रिगार्डिंग वीक कर देते हैं। बट जो यहाँ पे देखोगे तो जो परफॉर्मेंस है ऑडिट ऑफ बैंक्स की या फिर पॉलिसी मेकिंग वगैरह की, वो क्या हो रही है यहाँ पर, उतनी उनमें थोड़ी सी उनमें कोई कमी रह जाती है। That it will, मतलब कह सकते हो कि इस सब चीज़ों के यहाँ पे जो एक पॉलिसी मेकिंग जो फेल्ड हो रही है, वो ये करती है इंश्योर करती है फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एंड दैट विल गोइंग टू द प्रोडक्टिव यूसेज इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट।
अब यहाँ पर इन सब चीजों के रिगार्डिंग जो एक आगे के बारे में अगर कोई वे देखें तो आप ये देख सकते हो कि नेशनलाइजेशन का एक तो अच्छा भी फर्क पड़ा है किसी भी चीज के बारे में, चाहे नेशनलाइजेशन भी हो या कोई भी हो, उसमें कोई अच्छी बात भी होगी कोई इसमें बुरी बात भी होगी, बट दैट डिपेंड्स कि मतलब हर वेज में अलग अलग चीजें हैं। 50th एनिवर्सरी जो हुई नेशनलाइजेशन की वो एक बहुत ही अच्छा वो था, क्योंकि जो करंट परफॉर्मेंस है इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उनके रिगार्डिंग उन्होंने सिस्टमेटिकली एनालाइज की है, उन्होंने ये देखा कि जो चीज उनके रिगार्डिंग कुछ चीजें कमी हैं, एनालाइज करने के बाद उन्होंने उसके रिगार्डिंग कुछ इम्प्रूविंग उन्होंने उन्होंने कुछ एफर्ट्स लगाए जिससे उस चीज को भी इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पर कुछ अगर आप देखोगे तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जिसको अगर हम देखें तो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इंडिया बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पर अगर देखते हो रिकमेंडेशन हुई थी जो नरसिम्हा कमेटी की ऑन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम पड़ गया कि जो नरसिम्हा कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, हमारी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। यहाँ पर इस चीज ने क्या करा, जो गवर्नमेंट का जो इक्विटी है वो 33% है, जो कि क्या करेगा कि गिव द बैंक्स द मच नीडेड ऑटोनॉमी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। बैंक का कितना गवर्नमेंट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, ओनली 33%, बाकी किसके ऊपर ऑटोनॉमी है, बैंक की खुद की है, तो वो खुद पे एनालाइज कर सकते हैं खुद के क्या उनका वीक पॉइंट है क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से उनको अपनी ग्रोथ को एक अच्छे से इंप्रूव करना है, वो भी उन फैक्टर पे वो ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पर अब जैसे देखोगे तो बैंक्स ने क्या करा, अपना कैपिटल ग्रोथ को बढ़ा लिया, कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट में उसको उन्होंने इंप्रूव कर लिया। अब यहाँ पर जो मर्जिंग का एक कंडीशन आई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी सिनेरियो में, दैट प्रूव टू बी अ काउंटर प्रोडक्टिव इन दिस सिचुएशन बिकॉज इफ द एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर अगर रिगार्डिंग अ कंक्लूजन देखोगे तो बैंकिंग जो सिस्टम है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक सिग्निफिकेंट असेट है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है बैंक्स का, कि वहाँ पर करंट प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही हैं बैंकिंग सेक्टर्स, एंड प्राइवेटाइजेशन जो है वो इतना कोई इतना कह सकते हो ना कि इतना वो कोई कॉम्प्लिकेटेड या फिर पैनिकिया वाला सीन नहीं है। वैसे जो हम ध्यान से अच्छे से करें तो हम जो रिजॉल्व कर सकते हैं एनपीए क्राइसिस भी हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फ्री मार्केट टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट इन टू द इकोनॉमी। नाउ अब जो यहाँ पर टॉपिक का नाम आया मर्जर, तो अब हम देखेंगे अमलगेमेशन ऑफ द नेशनल बैंक, दैट मीन्स मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ये भी अभी रिसेंटली हुआ था, इसीलिए इसको भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टॉपिक नेशनलाइजेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से टॉपिक डाला है जिससे अगर दोनों के अगर पॉइंट्स आपके लिए लिखने के लिए आए तो आपको ये मालूम हो कि नेशनलाइजेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड मर्जर इज अ डिफरेंट टॉपिक। फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या सीतारमन जी ने क्या किया कि एक एक बहुत ही एक कॉन्सोलिडेटेड प्लान लेकर आई वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, यहाँ पर उन्होंने मर्जिंग करा 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उन्होंने मर्जिंग करके 4 का में फोर में कन्वर्ट कर दी। अब उस 10 को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करा, कौन कौन सी किस में कंट्रीब्यूट किया, दैट यू हैव टू नो। सबसे पहले जो बैंक्स हमारी कंट्रीब्यूट हुई जिनके न्यू नेम्स आफ्टर द मर्जर, जैसे कि पीएनबी, ठीक है पीएनबी, अगर आप देखो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दैट वाज ओबीसी, दैट नॉट ओवर द ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास नहीं है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को मर्ज करके एक बनाया, और इसका जो एक कहते हैं ना एक जिस जो इन तीनों को लीड करेगी जो बैंक उस वो रखा उन्होंने एंकर बैंक, कौन सी रखी पीएनबी, दैट इज फॉर पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट सेकेंड वन इज कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक, इन दोनों को मर्ज किया और इसका एंकरिंग बैंक रखी उन्होंने कैनरा बैंक। थर्ड वन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी इन्होंने जो एंकर बैंक रखी वो रखी इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ वन इज इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, जिसकी इन्होंने एंकर बैंक रखी इंडियन बैंक। तो कौन कौन सी मर्ज, सबसे पहले जो तीन थी दैट वॉज पीएनबी, ओबीसी एंड यूबीआई, कौन सी एंकरिंग बैंक है इसमें पीएनबी। नेक्स्ट वन इज सीएस, सीएस इज व्हाट, कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट थर्ड वन इज यूएसी, यूएसी इज वॉट, यूबीआई, यूबीआई एंड डोंट बी कंफ्यूज विद द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज अ डिफरेंट बैंक। आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक जिसमें उन्होंने रखा यूबीआई को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, देन इज द इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक,
ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने जो जो मर्जर करा पीएसबी को, अब उनका जो एक टोटल नंबर जो है, अब हमारे पास है 12 बैंक्स हैं हमारे पास फ्रॉम 27, से कितनी रह गई, 12 रह गई। ठीक है, अर्लियर जो मर्जर हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, इसके पहले विजया बैंक और देना बैंक किसके साथ कर दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, तो इन तीनों को एक बना दिया और एंकरिंग बैंक रखी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें इफेक्टिव ये रहा 1 अप्रैल 2019 से। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके रिमेनिंग जो 5 एसोसिएट्स हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, त्रवणकोर वगैरह, सबको इन्होंने मर्ज करके, उसमें जो भारतीय महिला बैंक थी उनको भी साथ में मर्ज करके किसका बना दिया, मर्ज करके किसको कर दिया, एंकरिंग बैंक, एंकरिंग बैंक कर दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये कब क्या रहा? किया उन्होंने 2017 को इन्होंने ये करा। टोटल नंबर ऑफ कितनी रह गई, पीएसबी हमारे पास 12 रह गई, अर्लियर थी 27। अब जो करंट जो एक सिनेरियो है आफ्टर द मर्जिंग की, कौन सी रैंक नंबर 1 पर है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट है पीएनबी, थर्ड लार्जेस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, देन फोर्थ वन इज कैनरा, फिफ्थ वन इज यूनियन बैंक, फिर सिक्स्थ वन इज बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन बैंक, देन सेंट्रल बैंक, देन इंडियन ओवरसीज 9th नंबर पर, यूको इज 10th नंबर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज 11, एंड पंजाबी सेंड इज 12th नंबर। बेनिफिट क्या हुए इस मर्जर के कारण? अब देखिए बेनिफिट क्या हुए कि जो कहते हैं ना कि अगर चार लोग जो मिलके काम करें और एक बंदा अगर कोई काम करे, अगर एक बंदा घर का काम करे तो क्या होता है, पूरा लोड पड़ जाता है। अगर सभी लोग अपने अपने काम को डिवाइड करके काम करें तो क्या होता है, हम लोग अपनी भी स्ट्रेंथ बचा लेते हैं और अच्छे से काम भी कर लेते हैं। सेम जो कॉम्पिटिटिवनेस है, और इससे क्या हुआ, जो एक मर्जिंग हुई बैंक्स की, उसके कारण जो उनकी स्ट्रेंथ है ग्लोबली, नेशनली और रीजनली, वो क्या हुई, बढ़ गई। कैपिटल भी अमाउंट भी बढ़ गया, क्योंकि अब तीन तीन दो दो बैंक अगर एक साथ आ गई तो उनका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी एक फैक्टर रहा, जिसके कारण क्या हुआ, गुड गवर्नेंस आई। एंड बैंक्स जो है फ्लेक्सिबल हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल गई, टू इंट्रोड्यूस द चीफ जनरल मैनेजर एज द बिजनेस लेवल पर। ठीक है, अब एफिशिएंसी जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल था टू, इट हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज भी एफिशिएंसी जो थी, जिसमें लैंडिंग कॉस्ट ऑफ बैंक्स की, वो भी यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गई। टेक्नोलॉजी सिनर्जी, अब जो एक मर्जिंग हुई बैंक्स की, एक पर्टिकुलर बकेट उन्होंने वो था एक कॉमन शेयरिंग, इनके पास एक प्लेटफॉर्म मिला जिसको बोला गया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेगा, एक कॉमन शेयरिंग रखा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CBS बोलते हैं। अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इनेबल करता है banks for to offer a multitude of customer centric service 24/7 सिंगल लोकेशन पर, सपोर्टिंग रिटेल, यहाँ पे सपोर्ट करेगा रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज को। अब सेंट्रलाइजेशन हुआ, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन दैट मेक्स वन स्टॉप शॉप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अ रियलिटी। अब यहाँ पे CBS का यूज करके कस्टमर जो है कहीं से भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से, कहीं पर भी रह के, अगर उनका जो अकाउंट है वो फिजिकली ओपन है तो। ठीक है, अब यहाँ पर जो कस्टमर है सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई नहीं है कि अगर वो अपने अपनी सिटी में रहे, अपने सिटी में जहाँ पर उनकी एक ब्रांच है बैंक की, वहीं पर उनको अवेलेबल रहना पड़े, तो यहाँ ही बिकम्स द बैंक कस्टमर। सेल्फ एफिशिएंसी रह गई, लार्जर बैंक्स के पास एक बेटर एबिलिटी है ताकि वो मार्केट के रिसोर्सेज को करें अच्छे से, रिकवरी वो अच्छे से कर पाएंगे, मॉनिटरिंग। अब विद द नंबर ऑफ पीएसपी जो कम अब हो गई, तो उनके कैपिटल एलोकेशन, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, अब देखो यार भीड़ में जाओगे तो हर में उसमें टाइम लगता है चीज़ों को काउंट करना, अब यार लोग कम हो गए तो वो ईजिली सब चीज़ों में मॉनिटर कर पाएंगे। नाउ चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस यहाँ पर क्या रहे, डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर जब बैंकिंग जो है एक मर्ज हो गई, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो एक कैपेबिलिटी है वो स्लो डाउन हुई एट द टॉप लेवल, बिकॉज जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी थी। अब यहाँ पर उनको मर्ज करने के बाद डिसीजन है वो ऑन द बैंक बर्नर, और इट विल लीड अ ड्रॉप इन द कैरियर डिलीवरी।
ज्योग्राफिकल सिनर्जी दैट वॉज अगर जब मर्जिंग हुई बिटवीन द मर्ज्ड बैंक इज समवॉट मिसिंग. अब थ्री ऑफ द फोर मर्जर बैंक जो है उनके पास एक स्पेसिफिक रीजन हुआ मर्जर बैंक का. हाउएवर जो इलाहाबाद बैंक है वो ईस्ट और नॉर्थ रीजन में है, विद द इंडियन बैंक जो है साउथ रीजन में. तो इससे क्या हुआ कि इनका जो ज्योग्राफिकल जो एक स्प्रेड है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि इन तीनों को साथ में रखा इन्होंने यहाँ पे दोनों को, ठीक है. एंड नाउ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी. अब जो मूव था वो बहुत ही अच्छा था. देयर इज ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा था, प्राइवेट कंजम्पशन चल रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हो रहे थे. तो अब इस चीजों को भी वो यहाँ पर इस चीज के थ्रू वो इस चीज में जो क्रेडिट फ्लो है उसको वो इंक्रीज कर पाएंगे एंड वहां पर वो इन्वेस्टर्स को अपना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. जो वीक बैंक्स थी उनको एक साथी मिल गया जो उनके साथ जो अंडर कैपिटलाइज पीएसबी थी अब वो भी रिकवर हो जाएंगी, ठीक है. मर्जिंग के कारण अब यहाँ पर क्या होगा अगर कॉम्प्लेक्स मर्जर हो गया, मानो एक कोई वीक है एंड अंडर कैपिटल पीएसबी है, तो बैंक की जो रिकवरी है एज द वीकनेस ऑफ वन बैंक क्या होगा वो दूसरे बैंक पर ट्रांसफर हो जाएगी. अब तो कोई इसका एक फायदा भी ये हो गया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो गया, मानो कोई एक वीक बैंक है अगर उसके साथ में कोई एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैंक अगर इमर्ज हो जाती है तो वो उसके लिए फायदा हो गया. बट जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उसके लिए क्या हो गया कि जो जो एक वीक बैंक आ गई है उसकी जो कमियां हैं जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ वो मर्ज हो गए तो हो सकता है वो वीक हो जाए, हो सकता है वो चीज इंक्रीज भी हो जाए. दैट इज द चैलेंजेस. मतलब यहाँ पर हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं कि अगर कोई कमजोर है उसको अगर साथी मिल गया स्ट्रांग तो क्या होगा कि उसकी भी नैया पार हो जाएगी, या तो ये हो जाएगा या फिर उसके ऐसा वो खुद बन जाएगा. दैट वॉज द सीन. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकते. अब या तो क्वेश्चन आएगा 50 ईयर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन को डिस्कस करो आप, नहीं तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बताइए. आप इंट्रोडक्शन से चालू कराना है या फिर 50 ईयर्स बोला है तो पहला पॉइंट डालोगे कि 50 ईयर कब हुआ, 1919 को हुआ, उस टाइम पर 14 कमर्शियल बैंक. इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिखना शुरू करोगे. देन आ सकता है आपका जो है मर्जर ऑफ बैंक. तो मर्जर ऑफ बैंक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट, आप दोनों चीजें पढ़ोगे. नेक्स्ट यहाँ पे जो 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, दैट वॉज द एनपीए और कोर बैंकिंग सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, दैट आर द टू डेफिनेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स. तो अब आप उसे देखो, देख लेना, अपने नोट्स खुद बनाइए इसमें से जो आपको पॉइंट्स आपको शॉर्ट करने उनको शॉर्ट करके लिखने का अपने अपनी लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को समझने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर किसी ने भी अभी तक, तो मैंने आपको फिर से बता देती हूँ, किसी ने भी अगर अभी तक रक्षा अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो जाकर कर लीजिए. टेस्ट सीरीज को वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगी फ्री की, क्योंकि एग्जाम आने वाला है. वहाँ पर 160 प्लस टेस्ट सीरीज है जहाँ पर FLTs भी अवेलेबल है और सेक्शन वाइज भी टेस्ट अवेलेबल है. आप वहाँ से दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो. कोई चाहता है FLTs लगाना डे में वो FLTs भी लगा सकता है, कोई चाहता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट हो तो वो वैसे तरीके से भी कर सकता है. डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, डिपेंड किस पर रहेगा, स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा. किसी को अगर वीडियोस भी चाहिए नोट्स भी चाहिए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है. अगर आप फ्री का कोर्स लेते हो तो अलग से, तो वहाँ पर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा. कोई प्री प्लस मेंस का लेता है तो उसकी प्राइस मैंने आपको बताई 7500. वहाँ पर आपको प्रोमो कोड यूज कर लोगे तो डायरेक्टली 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो प्रोमो कोड इज आर ए जोशिका. तो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे एंड अपनी जो एग्जाम आने वाले हैं उसको अब अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से उनकी तैयारी करिए. क्वेश्चंस आप मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने का ट्राई करो क्योंकि प्री को भी साथ में लेकर चलना है, प्री को अब छोड़ना नहीं क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है. टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, टॉपिक को पढ़ के वीडियो सुना. वीडियो सुनने का क्या करना है, इसको अपने नोट्स जो बनाए उनको रिवाइज करा और उनके रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन लिखना शुरू किया. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड स्टे पॉजिटिव, डू योर बेस्ट इन दीज डेज, गिव योर बेस्ट. अपने NPPSC को अपना बेस्ट देना है आपको, ये सोच के अपनी तैयारी करो. थैंक यू गाइस.